आप सभी का स्वागत है जसोदा के रसोई ब्लॉग में। तो बने रहे वीडियो में, आज फिर आई हूँ नई रेसिपी के साथ। तो मैंने गैस चालू कर दिया, एक कढ़ाई रख दी। तो यह नागपुरी पोहा, ये नागपुरी पोहा बिल्कुल बहुत पतला है, बहुत पतला, एकदम कागज से ज्यादा पतला। तो इसको मैं ऐसे ही सेकूंगी, इसको साफ कर लिया मैंने, अच्छे से छान लिया छन्नी में, पतला हटा दिया, जो मोटा मोटा रख लिया, कचरा जो भी निकलता सब निकल जाता है उसमें। तो दो बार मैं इसको सेक लूंगी मैं, इसको ऐसा ही सूखा सेकना है, तेल में नहीं सेकूंगी मैं। तो ऐसा ही अच्छा सिक जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इसमें डालूंगी तेल, तो तेल डाल देंगे अब दूसरे। तेल इसलिए डाला, आप दूसरा सेकूंगी, ये मक्का वाला पोहा सेकूंगी। तो जो मक्का का पोहा सेकूंगी मैं, इसलिए मैंने तेल डाला है, इसमें तेल से सिकता है। तो ये बहुत अच्छे से हमने कर लिया इसको। तो ये देखिए, इसको निकालेंगे, इसमें ही लगता है थोड़ा सा तेल। बहुत अच्छे से सिक गई पोहा हमारा, अब इसको हटा लेते हैं। इस तरीके से तो थोड़ा सा हिला देते हैं, इसका तेल कम निकल जाएगा। और ये डाल देते हैं फिर से। तो ये सेक लिया, और सेकूंगी अभी, और रहा है बहुत सारा। तो मैंने तेल ज्यादा ही था, तेल कम कर दिया। तो गैस को करूंगी फिर से चालू, बंद कर दिया था मैंने। हरी मिर्ची काट ली बड़े बड़े टुकड़ों में, ये डाल देती हूँ। तो कड़ी पत्ते कम ही डालूंगी, मैंने ये सुखा के रख लिए, इतने डाल रही हूँ, मेरे पास गीले वाले नहीं है। तो अब डालूंगी ये ज्वारी लाई, उन्हें सिके हुए जे, तो इनको डाल देती हूँ। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा डाल के इसको, और इसी में मैंने हल्दी नमक मिला लिया। तो हल्दी नमक साथ में थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो मिक्स हो जाएगा सब अच्छे से, इस तरीके से, तो अच्छा रहेगा। ऐसे कूटते जाएंगे और सब दूर से डालते जाएंगे। ये देखिए, तो इसमें भी सब में डालते जाएंगे। तो अब इसको कढ़ाइया को हटा देते हैं, अब कढ़ाई की जरूरत नहीं है ज्यादा, तो इसको हटा देते हैं। तो इसी में अब ऐसे ही बन जाएगा, सारा सामान सेक के रख लिया, तो सब मिलाना है। अब तो ये चना मिला देंगे सिके हुए, ये वाला पोहा है सेक के रखा था, नागपुरी पोहा पतला वाला, तो इसको भी मिला देंगे बहुत अच्छे से। इसको ऐसे मिलाना है। तो मैंने बड़ा वाला टप ले लिया, तो मैं इसी में मिलाऊंगी सब, इसी में छोटा पड़ रहा है, मिल नहीं पा रहा अच्छे से। हटा दिया, बाकी का ये भी डाल देती हूँ उसी में, और ये बच्चा इसे भी डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है या फिर से थोड़ा। तो तेल गर्म हो गया, तो इसमें डालूंगी चिटक, सूखा वाला नारियल है जो काट लिया मैंने ऐसे लंबे लंबे पीस, तो ये काट सेकूंगी, तो इसको इधर सेक लूंगी अच्छे से। और इसी में डाल दूंगी काजू और किशमिश दोनों चीज, तो इनको भी अच्छे से सेक लूंगी, इस तरीके से सारी सिक जाएगी। ये देखिए, तो फूल देखिए, तो बहुत अच्छे सेक के डालो, अच्छी लगती है। तो इसमें अब मैं मिला दूंगी, तो बहुत अच्छे से बन गए हमारा नमकीन, और ये सब मिला दिए हमने। ये देखिए दोस्तों,
ये देखिए इतना सारा। तो दिवाली की टाइम है आज, छोटी दिवाली है तो मैंने आज बना लिया। तो आप भी आइए दोस्तों, नमकीन खाइए, दिवाली की हार्दिक शुभकामना। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।